हाँ जी प्रियंका बहन जी, आपके जो भी रह गए हैं तब तक उन्हें पढ़ लें। क्या रह गए? कलश, हमेशा कलश जो आपके रह गए हैं। इक्कीस से पढ़ती हूँ। लभन्ते भेद विज्ञान मूला मचलित मनुभूतिन ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्ना नंत भाव स्वभावैर मुकुरवद विकारास संतनं स्युस्त एव। 2 मिनट रुकिए। एक तो ऊपर मनुभूतिन, नहीं पढ़ा था, मत सुनाया क्या? हनुमान जैसा सुनाई दिया। चलिए नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा था। नीचे मुकुर बदवी कारा, यानी वी को द के साथ जोड़ना, वदवी वधवी, और फिर संततन संततन। ये आगे आखिरी लाइन वापस से बोल दो, बोल लास्ट लाइन। बोल सकते, बदवी मुकुर विकारास बदवी वदवी मुकुर विकारास संततन सुस बदविकारा नहीं, बदवी कारा, ने वध बोल के विकार नहीं, बदवी कारा। बदवी मुकुर एक साथ पढ़िए, बदवी एक साथ। वदवी कारास आप बद पे रुक जाते हैं, वो अलग करने में रुकना हो रहा है। नहीं कार मुकुर करना ना, तीनों को एक साथ बोलना, बदबी। वदवी कारास नहीं हो रहा। बदबी मुकुर वदवी बदबी बदबी कारा, बदबी मुकुर वदबी। वदवी कारास मुकुर वदवी कारास संततन सुस्त एव। चलिए और अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। करती हूँ प्रैक्टिस में। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढन् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकश किल कलयति काले क्वापि तादात्मवृत्तिम्। लाइट की आवश्यकता है क्या? सीधी आंख पे पड़ रही, सीधी आंख पे पड़े तो रिफ्लेक्शन आप। हाँ जी, वो ठीक हुआ बाईसवा? चश्मे पर बाईसवा ठीक हुआ? एक बार फिर से पढ़िए, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढन् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकश किल कलयति काले क्वापि
क्वापि तादात्म्य वृत्तिम्। बहुत अच्छा, आगे। अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् ननु भव भव मूर्तेश पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगत विलसंतन स्वंसमालोक्य येनत त्यजसि जगिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम्। येनत, ऐसा पूरा नहीं, येनत त्यजसि, येनत त्यजसि, हाँ जी। और कौन पढ़ना चाहेंगे? बालाजी बहन जी, तिलकमणि भाभी जी, क्या हुआ? प्रतिगत विल संतन स्वर्ण समालोके। आपका नेट कमजोर है, चलिए नहीं, कट कट कर आवाज आ रही है। अच्छा दीदी, अहि कथमपि मृत्वा तत्त्वे। एक मिनट रुकिए रुकिए, मृत्वा नहीं, मृत्वा यानी आधा ता हुआ, मृत्वा। अहि कथमपि मृत्वा तत्त्वे को कौतूहली सन् त्यजसि जगिति मूर्त्या साक्यमेकत्वमोहम्। अब अपन आगे पढ़ते हैं। 24वां कलश शार्दूल विक्रीड छंद, यानी पुरुषार्थ की आवश्यकता है पढ़ने में, सिंह के जैसे एक निष्ठता वाले पुरुषार्थ की, बड़ा छंद माना जाता है। पढ़ते हैं, मैं पहले तीन बार पढ़ूंगी, फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी। कांत्यैवस् नपयन्ति ये दश दिशो थाम्ना निरुन्धन्ति ये धामोद्दामिमा महर्ष्विनाञ्जने मनो मुष्णन्ति रूपेण ये देवेन त्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षाच्छरन्तो मृतन् वंद्यास्तेष्ट सह स्त्रीलक्षण धरास
तीर्थेश्वरा सूरयः कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो दामि महर्ष्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण देवेन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्छरन्तो मृतन् वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षण धरास् तीर्थेश्वरा सूरयः कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो दामि महर्ष्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्छरन्तो मृतम् वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षण धरास् तीर्थेश्वरास् सूरयः दिव्य भैया एक काम करो एक समय साध जी ग्रंथ दादा जी को दे दो वहां से हाँ जी अब थोड़ा थोड़ा देखते हैं ये 24वां नंबर का कलश है कांत्यैव नपयन्ति ये दश दिशो धामना निरुन्धन्ति ये धामोद्दाम महर्ष्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोस् साक्षात् चरन्तो मृतम् वन्द्यास्तेष्ट वन्द्या विद्या द्या अकेला धा नहीं जैसे विद्या बोलते ना विद्या वंद्यास्त
तेष्ठ सहस्त्र लक्षण रुको रुकिए सहस्त्र नहीं यानी ता नहीं है वहां सा में रा हाँ तो सहस्त्र ग्रंथ ले लो जल्दी तो और ले लो ना अपना सहस्त्र नहीं यानी ता नहीं है वहां जो अपन बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं यानी सहस्त्र नहीं है सहस्र यानी आधा सा और रा हाँ तो सहस्र नहीं त्र आप ता बोल रहे हैं ता नहीं बोलना रा सहस्र वो आदत पड़ी हुई है ना क्योंकि सब उसको सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्री बोलते हैं सहस्र यानी आधा सा और पूरा रा सहस्र सहस्र लक्षण धरास क्या हुआ भैया क्यों समय लगा रहे थे तीर्थेश्वरास सूर्य कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो फिर से थोड़ा सा कठिन तो है एक बार फिर से और थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी तो सावधानी से कांत्य कलश नंबर कौन सा है दश दिशो 24वां कलश पढ़िए 24वां कलश समय सार जी का 24वां कलश कांत्यैवस् न पेयन्ति ये दश दिशो आर्य भैया आप उस बेंच पे बैठिए यहाँ धामना निरुन्धन्ति ये धामो दामे महस्विना जने मनो नां च छ ज झ ञ नां जन मनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्ये न ध्वनिना सुखं श्रवणयो ये मुझे हाईलाइट कर देते तो बाकी नहीं दिखते तो पूरी स्क्रीन खोलिए नहीं ये लोग तो नहीं आ पाएंगे पर ये जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भी आएंगे इसमें आपने मुझे ही बड़ा बना दिया तो बाकी सब दिख ही नहीं रहे नीरज भैया को पता है मैंने नॉर्मल रखी है तो बाकी भी दिखे हाँ इस तरह से ही रखी मैंने ऑनलाइन जो भी जुड़े हैं क्योंकि मुझे उनसे पढ़वाना है तो वो दिखेंगे तब तो पढ़वा पाऊंगी दिव्ये न ध्वनिना सुखं श्रवणयोस् स
साक्षात् शरन्तो मृतम्। वन्द्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास् सहस्त्र, यानी जो अपन सहस्त्र बोलते हैं ना वो उच्चारण गलत है अपना, यानी हमेशा आधे सामे अखिला रा होता है, त्र नहीं होता। आप लोग भी ध्यान रखिए क्योंकि एक गलती दोहराई जाएगी। यानी सहस्त्र में आधा सा और फिर पूरा रा, अपन जो बोलते हैं वो बोलते आधा सा उत्तरा, यानी त्रिशूल वाला त्रा, तो त्रिशूल वाला त्रा नहीं है यहाँ, आधा सा और रा, तो सहस्र। वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास तीर्थे स्वरा सूर्यः कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो, कान्त्यैव स्नपयन्ति धामना निरुन्धन्ति ये। नींद आ रही क्या? तो क्या हो गया? मैं तो देखने में थोड़ी गला दुखता है, आंखों से देखना, देखो है? बोलो मत पर देखो अक्षर, फिर उच्चारण बनेगा नहीं, थोड़े सहन करना सीखो, ज्यादा सुकमाल बनना अच्छा नहीं होता है। सूर्य फिर से कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो, धाम्ना निरुन्धन्ति ये। तो ऐसा करो फिर बंद करके जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो और पाप बनता, जिन मन की विराधना होती, नहीं पढ़ना है, मन नहीं लग रहा तो बंद कर दो, शास्त्र विराजमान कर दो जी, नहीं तो फिर यहां भले बोलो मत पर देखो मन लगा के, ये तो व्यर्थ का पाप बांधो, अवर्णवाद होता है जिन वाणी का। धामो दामे महर्ष्विना जन मनो मुष्णन्ति रूपेण ये, मुष्णन्ति नहीं मुष्णन्ति आधसा नन्ति, दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः, सुखं सुखं योः साक्षात् शरन्तो मृतम्। वन्द्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास तीर्थे स्वरास सूर्यः कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो, धामना निरुन्धन्ति ये
धामो दामे महाश्विना जने मनो मुष्णन्ति रूपेण ए आपका मुष्णन्ति गलत हो रहा है, मुष्णन्ति आदर्श नन्ति दिव्ये न ध्वनि न सुखं श्रवणयो यहां भी आपका गलत हो रहा है दिव्ये न ध्वनि न यानी अध ध दो बार दिव्ये न ध्वनि न सुखं श्रवणयो साक्षाच्छरं तो मृतं वंद्यास्तेष्ट सहस्त्र लक्षण धरास तीर्थेश्वरास सूर्यः कान्त्यैव स्नपयन्ति दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति धामोद्दामे महाश्विना जने मनो मुष्णन्ति रूपेण ये ग्रंथ में देखो भैया ग्रंथ में देखो दिव्ये न ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्छरं तो मृतम् वंद्यास्तेष्ट सहस्र लक्षण धरास तीर्थेश्वरास सूर्यः अब अर्थ करने के लिए अपन पहले संधि तोड़ेंगे कांति आई वह है ना इसको अलग अलग जब करेंगे कांत्या एव कांत्या एव इसके बाद स्नप्यन्ति तो यथावत रहेगा ये भी यथावत फिर दस दिशो तो ये हो जाएगा दश दिशा फिर आगे धामना निरुंधन्ति ये यथावत इससे आगे धाम उद्दाम धाम उद्दाम धाम उद्दाम महाश्वी नाम यथावत फिर जनमनु में आएगा जन मन यानी मनु का मन हो जाएगा जन मन फिर मुष्णन्ति रूपे ये और तीसरी लाइन में दिव्येन ध्वनिना सुखन श्रवणियो ये यथावत अब इससे आगे साक्षात भी यथावत क्षरण तो अमृतम यह संधि तो क्षरंत अमृतम क्षरंत अमृतम अब इसके बाद नीचे वंद्यास्ते हन हाँ धामोद्दाम ध विद्या कथा
धामो दाम महस्विनां नांग नांग यानी छ छ जज यहाँ वाला जन मनु ठीक है। अब चौथी पंक्ति का वंद्यास्ते तो साका हो जाएगा विसर्ग तो वंद्याह ते। अब इससे आगे जो भी ऐसा ऐसे जैसा बनाना उसे कहा जाता अवग्रह का चिन्ह, जो ऐसे जैसा बनाना ये कहलाता अवग्रह का चिन्ह तो उसका हो जाएगा अ तो ते अष्ट ते अष्ट। इसके बाद सहस्त्र लक्षण कौन सा वाला चौथी लाइन का एक मिनट है संधि पहले तोड़ के बता दी फिर पढ़वाती हूँ। फिर इसके बाद धरास तो ये आधे शाखा विसर्ग बन जाएगा तो धराह तीर्थेश्वराह धराह तीर्थेश्वरा बस इतनी संधियां। हाँ अब देखिए वंद्यास तेष्ट सहस्र स्वरास सूर्य। अब अर्थ तो अभी नहीं हो पाएगा अपना समय हो गया अगली कक्षा है तो यही इसको समाप्त करते हैं और गुणस्थान